हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? होप आप सब बढ़िया होंगे और हम भी एकदम ठीक है। अभी आ गए हम सुबह सुबह रोड में और पीछे है नेगी जी। आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए तो नहीं जा रहे, लेकिन लैंसडाउन जा रहे हैं कुछ काम से। और अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 6 और हम आ गए हैं रोड में। और बहुत ठंडा हो रहा है, अभी धूप भी नहीं आ रखी है। यहाँ देखो पीछे पहाड़ियों पे आ रखी है। और हमारे गांव में तो 9-10 बजे तक आती है यहाँ धूप और शाम तक देर तक रहती है। बाकी दिखाते हैं अपने गांव का रोड आपको, यहाँ पर कैसा है, उसके बाद चलते हैं फिर आगे सफ़र में बढ़ते हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसा मौसम है मॉर्निंग का, कहीं वो ऊपर पहाड़ियों पर आई है थोड़ी थोड़ी सी धूप। बाकी हमारे गाँव का है रोड, एक ही गाड़ी है हमारे गाँव में, बाकी सभी स्कूटी बाइक वाले हैं। यहाँ रोड कुछ ऐसी है कच्ची, तो चलते हैं फिर, मिलते हैं आपको बीच बीच में। रिखणी खालो मिलेंगे सीधे अब। यानी का फास्ट फूड और दोस्तों हम रिखणी खाल से आगे पहुंचने वाले हैं और यहाँ से नीचे को जाती है पानी सहन के लिए रोड और इधर को जाती है देवियो खाल के लिए। तो आगे अब हम मिलेंगे आपको देवियो खाल में। तो दोस्तों रिखणी खाल से 5 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम पहुंचे हैं देवियो खाल मार्केट में। और जो आगे आपको छोटा सा मार्केट दिख रहा है वो देवियो खाल का मार्केट है। तो चलो देखते हैं देवियो खाल का मार्केट। तो दोस्तों शुरू हो चुका है देवियो खाल मार्केट और सबसे पहले यहाँ पे बैंक पड़ता है SBI का। अभी आगे जाके दिखेगा आपको, ये नीचे है जो ये है SBI बैंक और बाकी आगे छोटा सा मार्केट देखिए देवियो खाल का। और यहाँ हल्की हल्की धूप भी आ चुकी है और हम राशन के लिए भी यहीं आते हैं। जो हमें सरकारी राशन मिलता है वो भी हमें यहीं मिलता है देवियो खाल में। तो दोस्तों देवियो खाल से 8 किलोमीटर के सफर के बाद हम पहुँचे हैं ढाबाखाल की, हमारे ढाबाखाल की मार्केट छोटी सी।
हारकेश्वर के लिए कटती है जो रोड, वहीं से जाते हैं और यहाँ से 32 किलोमीटर आगे जाना है हमें नेक्स्ट। अरे ये पड़ेगी डूबे थे जबल। तो दोस्तों अभी यहाँ पे हमने रिखनी खाल और देवियो खाल और ढाप खाल और चकुलिया खाल, तीन चार मार्केटों का सफ़र तय करने के बाद आगे बढ़े हैं हम। और अभी यहाँ अच्छी खासी धूप भी निकल चुकी है, लेकिन कहीं कहीं पे जंगल है तो वहाँ पे बहुत ठंड लग रही है हमें। तो अभी बढ़ते हैं सफ़र में आगे, बताते हैं फिर आगे आपको कौन सा मार्केट आता है। देखिए सल्ली का मार्केट आगे, सल्ली रेस्टोरेंट पर। तो दोस्तों सिसलडी में चाय और पराठे खाए हमने, चाय पराठा खाने के बाद फिर से निकल गए हैं अपने सफ़र में आगे। और यहाँ से अब हम सीधा जाएंगे लैंसीडाउन, लैंसीडाउन यहाँ से 20-25 किलोमीटर के लगभग है, और चलते हैं फिर सब। तो दोस्तों कुछ दूरी के बाद हम पहुँचे हैं डेरिया खाल, और यह डेरिया खाल का छोटा सा मार्केट, देखिए आप भी ज़्यादा बड़ा नहीं है वैसे, छोटा ही है। और मुझे तो लगा शायद इसके बाद सीधा हम लैंसडाउन पहुँचेंगे, लेकिन ये एक और मार्केट बीच में पड़ गया। तो देखो इसे छोटा सा मार्केट। तो दोस्तों यहाँ से जो सीधे रोड जा रही है वो जाएगी कोटद्वार को, और हम यहाँ से ऊपर को मुड़ जाएंगे, यहाँ से ऊपर को जाएगी रोड लैंसीडाउन को, और जो सीधी वाली रोड है वो जाएगी कोटद्वार को। तो हम चले गए हैं लैंसीडाउन वाली रोड पे, और यहाँ से लैंसीडाउन 7 या 8 किलोमीटर ऐसा ही होगा। तो चलते हैं फिर सफ़र में आगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों जैसे सफ़र में हम आगे बढ़े, पहले जब हम पिछली बार आए थे तो यहाँ पे कुछ टूल टैक्स काटने वाले भी रहते थे, अब की बार उन्होंने नहीं काटा क्योंकि 5 या 10 रुपए ऐसे लेते थे वो, जैसे अगर हम जैसे कोई गाड़ी में जाता है तो उससे मतलब ज़्यादा, जैसे बाइक है स्कूटी है तो उनसे 5 या 10 रुपए लैंसडाउन मतलब घूमने का चार्ज होता है एक टाइप का वो। तो अब की बार नहीं मिले हो हमें यहाँ पे, तो इसलिए अभी सीधे चलते हैं आगे, मिलते हैं आपको लैंसडाउन में। तो दोस्तों बस अब 2 किलोमीटर आगे रह गया है हमारे लिए लैंसडाउन, और हम पहुंचने ही वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है इस बोर्ड पे कि लैंसडाउन छावनी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलो चलते हैं आगे दोस्तों। यहाँ से नीचे जो ग्राउंड दिख रहा है नक्शा टाइप का, ये आर्मी वालों का है शायद, वहाँ कुछ सिखाते होंगे उनको। और फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे आगे चलकर एक बोर्ड है, यहाँ पे कुछ आर्मी वालों की फ़ोटो लगा रखी है, और उसके बाद चलते हैं आगे आगे। तो दोस्तों पहुंच गए हैं हम, यहाँ पे लिखा है वेलकम टू गढ़वाल राइफल्स। तो यहाँ से शुरू होता है लैंसडाउन, लैंसडाउन का पुराना नाम था कालू डांडा, मतलब कि पहले यहाँ बहुत कोहरा लगा करता था तो इसलिए यहाँ का नाम कालू डांडा रखा गया। उसके बाद कोई एक व्यक्ति था लॉर्ड लैंसडाउन, तो उसके नाम पर यहाँ का नाम लैंसडाउन रखा गया। तो यहाँ से शुरू होता है लैंसडाउन, और तो दोस्तों सबसे पहले हम जाएंगे कैंटीन में और वहाँ से लेंगे कुछ सामान। तो अभी चलते हैं सीधा कैंटीन की तरफ, सबसे फर्स्ट में ही पड़ जाता है कैंटीन।
और तो बैग नहीं रही है। तो दोस्तों अभी चलते हैं आगे की तरफ और यहाँ गढ़वाल राइफल से जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी आपको आगे। तो दोस्तों इसीलिए इस लैंसडाउन को गढ़वाल राइफल का गढ़ भी कहा जाता है। तो ठीक आगे है अभी शताब्दी द्वार, जहाँ की हमारी पहाड़ी हर भाई का सपना होता है वहाँ पहुँचने तक का। तो ठीक आगे है शताब्दी द्वार। तो दोस्तों शताब्दी द्वार से हम आगे को निकल गए हैं और वहाँ पे फौजी भाई ने हमें रोक दिया, कहाँ कि यहाँ पर आप वीडियो और फोटोज नहीं खींच सकते। तो जो भी मैंने वीडियो बनाई थी दोस्तों उन्होंने मुझसे डिलीट करवा दी और मैंने वीडियो करी थी तो उन्होंने रोक दिया यार। वीडियो बनाने के लिए तो मैं गई थी और चलो कोई नहीं, अगली बार देखते हैं। तो अभी बढ़ रहे हैं हम सफर में आगे। कल जाना बोले